खुद को एक्टर और फिल्म क्रिटिक बताने वाले केआरके उर्फ कमाल और खान फिर से विवादों में छाए हुए हैं। खबर है कि शाहरुख खान उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। इसके पहले सलमान खान और मनोज बाजपेयी ने इनके खिलाफ मानहानि का केस किया था। अब केआरके फिर से लीगल एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। कमाल और खान उर्फ केआरके की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। कुछ महीने पहले ही वे जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उन पर सलमान खान ने लीगल एक्शन लिया था और फिर शाहरुख खान भी कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं, क्योंकि केआरके ने पठान के गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण पर टिप्पणी की है, जिसके बारे में एक्टर ने एक ठोस कदम उठाने का फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कमाल राशिद खान सब पर अपनी नाक घुसेड़ते ही हैं, चाहे किसी भी एक्टर के करियर के बारे में ही क्यों ना हो या फिल्म रिव्यू करना हो, उनकी तरह से हमेशा विवादित ही बयान आता है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के गानों को लेकर जहां मामला गरमाया हुआ है, उसमें खुद को क्रिटिक कहने वाले केआरके ने भी हाथ साफ कर लिया है। उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि एक्टर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ट्वीट कर कमाल खान लिखते हैं, खबरों के मुताबिक शाहरुख खान मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि बेशरम रंग में ज़्यादा अंग प्रदर्शन करने के लिए मैंने सच बोला था। आप यहाँ मेरे गाने पर रिव्यू देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो। इसके अलावा केआरके ने एक और ट्वीट किया। केआरके ने दूसरे ट्वीट में लिखा, अगर शाहरुख खान को लगता है कि उनकी फिल्म पठान फ्लॉप हो जाएगी सिर्फ मेरे रिव्यू की वजह से, तो बता दूं कि वो गलत है। उनकी फिल्म इन तीन कारणों की वजह से फ्लॉप होगी। पहला तो गलत नाम के कारण, दूसरा एक जैसी स्टोरी और एक्शन की वजह से, और तीसरा पब्लिक के द्वारा बॉयकॉट करना। अगर वो मुझसे इस मूवी का रिव्यू करने से मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। बता दें कि इसके पहले सलमान खान ने केआरके पर मानहानि का केस किया था, क्योंकि उन्होंने राधे का रिव्यू किया था। अब ऐसा ही उनके साथ शाहरुख खान करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी ताज्जुब वाली बात नहीं है। इसके पहले मनोज बाजपेयी की भी केआरके ने चरसी और मगजेंडा कहा था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने इन पर मानहानि का केस किया था। जब इसे रद्द करने की याचिका केआरके ने दायर की तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।